भाई साहब, एक ऐसी मूवी जिसकी हाइप नहीं बन रही है, मेकर्स फुल कोशिश कर रहे हैं, पूरे एफर्ट मार रहे हैं भाई, दिल जिगर गुर्दा जितनी ताकत हो सकती है मेकर्स एंड डायरेक्टर फुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मूवी की उतनी हाइप नहीं बन रही है जैसी बननी चाहिए, क्योंकि इसमें जो दो नाम जुड़े हैं, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, जिनका नाम ही काफी होता है मूवीज को सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर का टैग दिलाने के लिए, लेकिन भाई जनता इस बार बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रही है। वैसा बड़े मियां छोटे मियां से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट्स आ रही हैं। मेकर्स फुल 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 कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट करो ट्रस्ट करो ट्रस्ट करो, बट लोग हैं कि भाई ट्रस्ट करना ही नहीं चाह रहे हैं। आई डोंट नो, सारी चीज़ों बात करेंगे, ट्रेलर कब आने वाला है और भी सारी चीज़ें, भाई मेकर्स और भी क्या एफर्ट मार रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ वो कंटेंट से रिवील आउट कर चुके हैं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भाई बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सपोर्ट और हम यूं ही बने रहेंगे। तो वैसे अब ट्रेलर की डेट अनाउंस हो चुकी है 26 मार्च को, यानी कुछ दिन बाद, यानी 7 से 8 दिन बाद हमें ट्रेलर देखने को मिल जाएगा ऑफिशियली, तब हो सकता है कि इस मूवी की जो हाइप हो बिल्कुल सॉलिड तरीके से रैंक करके जाएगी और लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ के जाएगी, एक एक्साइटमेंट बना कर जाएगी कि भाई साहब हमारे लिए वेट करो, क्योंकि हम बहुत कुछ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पर अभी जो है वो हाइप बिल्कुल भी मेंटेन होते नजर नहीं आ रही है। भाई मेकर्स जो है अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्हें ये मजबूरन ये करना पड़ गया कि पृथ्वीराज सुकुमारन के जरिए वो थोड़ी सी हाइप सेट करना चाहते हैं। भाई साहब उन्हें अपने अपने कंटेंट में से, अपने क्लिप में से एक ऐसा मोमेंट पिक जारी करी है जिसके वजह से ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पे अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है, और यस लिटरली भाई साहब दो लोगों के वजह से ही इस मूवी का हाइप मेंटेन है, वो जो हाइप है मतलब जहां से मिल सकता है इसको, वो है एक अली अब्बास जफर जो इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पहले ही बहुत नाम कमा रखा है, क्योंकि उनकी प्रीवियस क्रिएशन अगर हम बात कर लें तो भारत, गुंडे जैसी मूवी एंड मेरे ब्रदर की दुल्हन, ब्लडी डैडी कैसे बोल सकते हो भाई, शाहिद कपूर की वन नाइट स्टैंड वाली वो मूवी जो दमदार एक्शन दे के गई थी, टाइगर जिंदा है सुल्तान, कौन भूल सकता है इनको। तो यस इससे भी थोड़ा सा जनरेट हो रहा है कि भाई एक्शन के मामले में फिलहाल हमें बढ़िया कुछ मिलेगा, लेकिन एक्टिंग के मामले में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, ऐसा लोग सोच रहे हैं, भाई दैट्स नॉट माय वर्ड। दूसरा भाई साहब पृथ्वीराज सुकुमारन एज विलेन जो इसमें नाम जोड़ रहा है, अगर ये विलेन को उतनी ही पावर इसमें दी गई तो लिटरली ये मूवी धमाका करके जाएगी, क्योंकि बॉलीवुड का भाई साहब यही रहता है, विलेन के सामने हीरो को हीरो ही दिखाया जाता है, यानी हीरो को हीरो ना दिखा के एज सिंपल ह्यूमन बींग अगर आप दिखा दोगे तो मूवी में मजा आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि विलेन दमदार होना चाहिए। विलेन को विलेन क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके पास कोई लिमिटेशंस नहीं होती, क्रुएलिटी जिस हिसाब से, ब्रुटैलिटी वायलेंस जिस हिसाब से वो कर सकता है उसे खुली छूट दे दो, अगर ये दे दिया पृथ्वीराज सुकुमारन को जिसपे बहुत कैलिबर है, बहुत पोटेंशियल है भाई साहब, मूवी उठ जाएगी, डेफिनेटली उठ जाएगी। दूसरा कि भाई इस मूवी के हाइप कब बन सकती है, 26 मार्च को ट्रेलर आ रहा है, बस एक यही एक मात्र सहारा है इस मूवी के लिए कि यहां से हाइप सेट हो जाए, 50% ट्रेलर काम कर जाएगा, जैसा टीजर इन्होंने रिवील आउट किया था उससे कहीं बेहतर अगर ये ट्रेलर निकाल देते हैं तो मजा आ जाएगा। देन उसके बाद फर्स्ट डे जब ये मूवी रिलीज होगी, जब वर्ड ऑफ माउथ काम करेगा, पॉजिटिव रिव्यू जहां इसे मिलने लग गए, डेफिनेटली 400 से 500 करोड़ इसके खाते में कहीं नहीं गए। दूसरा भाई साहब हाइप क्यों क्रिएट नहीं हो रही है, पास्ट रोल प्ले कर रहा है, किसका, अक्षय कुमार का और टाइगर श्रॉफ का, टाइगर श्रॉफ का तो क्या ही कहना है, बस वही उछल कूद बंदर नाच यही दिखाने वाले हैं और क्या, टाइगर और अक्षय कुमार का क्यों भाई, अक्षय कुमार दर्जनों के हिसाब से ये मूवी लेके आते हैं, जिस कंटेंट पे इन्हें बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए वो भी बिल्कुल एवरेज होके नजर आता है, लाइक बड़े मियाँ छोटी मियाँ कोई भी छोटी मूवी नहीं है भाई, बहुत बड़ी बिग एक्शन पैक्ड मूवी है, बावजूद इसके ये वो ट्रस्ट नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बहुत ही दमदार चली भाई, इतने प्रमोशन तो जवान, पठान, सलार, डंकी जैसी मूवी ने नहीं करे थे जो 1000 करोड़, 500-600 करोड़ से अबव लेके गई हैं, जितने प्रमोशन इस बड़े मियाँ छोटे मियाँ से देखने को मिल रहे हैं, तो भाई मेकर्स अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो भाई ट्रेलर के लिए कौन कौन वेट कर रहे हैं, लिटरली मैं तो वेट कर ही रहा हूँ क्योंकि टीजर दमदार था, देन उसके बाद पृथ्वीराज सुकुमारन की बस एक छोटी सी झलक देखने को मिली और वही बहुत एक्साइटमेंट जनरेट कर रही है, तो उसका एक अच्छा खासा पार्ट हमें ट्रेलर में देखने को मिल गया। मेकर्स ने अगर ये चीज़ ट्रिगर कर ली तो भाई डेफिनेटली जनता के दिल में ट्रिगर होनी ही होनी है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, और भी आपकी तरफ से कुछ ऐसी टिप्पणियाँ, इसके फैन हो मतलब अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ के फैन हो तो जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।